अरे नहीं यार विराट भाई यार, मैं कैसे सोसाइटी से बाहर चले जाऊं? चलो मैं अपने कमेंट्स वापस लेता हूं यार। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? यार विराट भाई चलो मिलके बात कर लेते हैं। हाँ क्या बात है विराट भाई, और आपकी डायरेक्ट बात होती है? नहीं विराट कोहली नहीं है, विराट चौहान है, वो मेरा RWA का प्रेसिडेंट है। उसकी बात हो रही थी। विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ यार, उसके बारे में हम रन ऑर्डर में नहीं बात करेंगे बिल्कुल भी नहीं यार। ये तो तुम विराट चौहान के करीब हो, विराट कोहली के थोड़ी हो यार। फिर भी विराट कोहली के तो हर कोई दिल के करीब है ना। विराट चौहान तो चलो RWA का प्रेसिडेंट है, वो कुछ गिने चुने लोग हैं उस RWA के। करेक्ट। लेकिन विराट कोहली तो हर कोई दिल के करीब है, नहीं है? करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो हम बात रन ऑर्डर में ये एयर होगा ही नहीं। हां नहीं होगा, कैंसिल वेयर कैमरा। लेकिन सुन तो लो, हुआ क्या? तुम्हें तो ये भी नहीं पता अभी तक। मुझे आईडिया है लेकिन मैं उस पर मैं डीप डाइव करना चाहता नहीं हूं। मैं बिल्कुल ठेस पहुंचेगी, मैं करना चाहता हूं, कर लूं। कुल मिलाकर हुआ ये कि विराट कोहली ने अभी एक नया ऐप लॉन्च किया है अपना, विराट कोहली के, तो उसमें एक मीन ट्वीट करके एक शो कर रहे थे वो। उसमें लोग फैंस कुछ भी ट्वीट करते हैं जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्रिटिसाइज करते हुए, आलोचना करते हुए। तो एक किसी फैन ने ये कहा कि उनको ऐप का क्या होगा जनाब, नहीं उनको ये उन्होंने कहा कि विराट कोहली की बैटिंग उनको पसंद नहीं है, इंडियंस की बैटिंग पसंद नहीं है उनको, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस पर विराट कोहली बोलते बोलते जवाब देने में ये बोल गए कि फिर उनको इस देश में रहना ही नहीं चाहिए अगर वो इंडिया के बैट्समैन को पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं साथ हूं। अब वो कहना क्या चाहते थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ रन ऑर्डर क्रू से कि वो कहना क्या चाहते थे, क्योंकि ऐसा लगा उसके बीच उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आपको मेरी बैटिंग पसंद नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या वो कुछ मजाक करना चाह रहे थे, ठीक से कह नहीं पाए, या फिर उनके मन में कहीं ना कहीं ये था, उनको बुरा लगा कि अगर इंडियन बैट्समैन के लिए किसी ने कुछ कहा। आकाश क्योंकि यहाँ पर हैं और इनके विचार हर चीज पे बड़े कड़े और अच्छे रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हुआ क्या है, वो बोलना कुछ और चाहते थे या जो उन्होंने बोला है वो सही बोला? देखिए सही तो उन्होंने नहीं बोला, अगर जो उन्होंने बोला इफ ही एक्चुअली मींस इट, तो अगर आप उनसे वैसे पूछे, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि ही एक्चुअली थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि आप उनसे पूछे सबसे अच्छा बैट्समैन को कहेंगे ए बी डिविलियर्स 100%। जब क्रिस गेल के साथ खेलते गए तो वो कहते हैं यार इससे बढ़िया कोई छक्के नहीं मारते, तो सबसे तगड़ा प्लेयर है, आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले सेकंड फिडल। जब आप खुद ये बात कहते हैं, एंडोर्स करते हैं कि बाकी क्रिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं जिनको विश्व ये कहता है सबसे बढ़िया बल्लेबाज है, तो फिर क्या उनके दिमाग में एक्चुअली में चलता है कि यार अगर आप मुझे पसंद नहीं करते, भारतीय चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो फिर आप भारत में मत रहो? आई डोंट थिंक कि एक्चुअली थिंग्स लाइक दैट। अभी वो बाद में उन्होंने ट्विटर पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया कि आई वाज ट्राइंग टू ट्रोल द ट्रोल्स, वेल दैट सी इन द एंड इट्स नॉट इन गुड टेस्ट, आइडियली इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि अंत में होता क्या है फिर वो राई का पहाड़ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपने ये कहा है कि भैया छोड़ दो देश चले जाओ बाहर, सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको भी है, सबको है। सो what we have seen of Kohli over the last 18 to 24 months especially, मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने ये जो बोला है is exactly what he actually means. But एक मिनट, अगर उन्होंने ABD का नाम लेते हैं या पहले कभी हर्षल गिब्स का नाम लिया है, उन्होंने एक प्लेयर का नाम लिया, जनरलाइज नहीं किया है यार। तो वही तो कह रहे हैं ना कि भाई ये जो है एज अ नेशनल आइकॉन, ये काफी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट थी कोहली से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। अब उन्होंने खुद जैसे आपने कहा ठीक से कि जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप गए थे, वहाँ एक सेगमेंट था कि हर प्लेयर बताए कि उनका फेवरेट प्लेयर कौन है, और उस टाइम उनके फेवरेट प्लेयर हर्षल गिब्स थे। हाँ। 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद उन्होंने कहा कि एंजेलिक कर्बर उनकी सबसे फेवरेट टेनिस प्लेयर है। एक नाम लिया, उन्होंने नहीं कह दिया कि साउथ अफ्रीका से बेटर होते हैं। आई एम नॉट गोइंग आफ्टर विराट कोहली, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल अपने हक में है, अपने दायरे में, लेकिन टू आई एम श्योर ही मीन्स इट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन ही इज टेलिंग अ फैन, एंड मे बी जैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया कि मैं फैन को आग यू नो फाइटिंग फायर विद फायर, वो मुझे गाली दे रहे, मैं भी उनको थोड़ा शार्प रिप्लाई दे रहा हूं। रौनक भाई मैं तो वो इंसान हूं जिस दिन विराट कोहली कोई गलती कर भी देगा तब भी मैं उनकी साइड लूंगा, इस बार तो गलती की नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो जवाब दिया उन्होंने जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो मजाकिया अंदाज में उससे कुछ बनाना चाहते थे वो, और सेंस ऑफ ह्यूमर शायद उतना अच्छा है नहीं, और वो बाहर निकल के आ गया। क्या बात है सर? सर मैं लास्ट टाइम जैसे आपको उतारता, मेरा एक दोस्त था विशाल गोयल जो क्रिकेटर काफी करीब है, उसने एक बात बोली, क्या पता वही सच हो, काफी लोगों को ऐप के बारे में पता नहीं था, क्या ये जानबूझ के बोली गई वो बात ताकि ऐप फेमस हो? एक चीज लगती है, हम सबको एक तरह से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, हर दो खिलाड़ी एक तरह से नहीं होते भाई।
अगर उनको लगा कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए इसे वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन, मुझे नहीं लगता है विराट कोहली ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सबको अपनी जो अंदर की राय है वो सबको जाहिर किया कि भाई अगर आप इंडिया को फेवर नहीं करते आप चले जाए। आप वो सवाल को देखें, उसमें वो कहते हैं दीज इंडियंस पहले, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं एवरेज बैट्समैन है, तो वो एक बदतमीजी वाला सवाल है। हर आदमी उसको अलग तरह से डील करेगा, आप उसको डील कर सकते हैं इग्नोर करके, या आप डील कर सकते हैं अगर मेरे से बदतमीजी वाला सवाल पूछा गया मैं बदतमीजी से ही जवाब दूंगा। ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि विराट कोहली असली में ये नहीं चाहते कि अगर आप इंडिया को सपोर्ट नहीं करते तो बाहर जाए, क्योंकि वो आपने खुद ही बताया वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। उनका ये जवाब नहीं, पर उनका जवाब उस सवाल से है। मैं ये कह रहा हूँ वो सवाल अभी सब विराट कोहली पे जा रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक फिगर है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने वो सवाल पूछा, जो भी वो शख्स है सवाल, आई थिंक उसकी भी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। ये नहीं क्योंकि वो आम आदमी है, क्योंकि ये ऐसे ही जो फैंस होते हैं जो इस तरह से बदतमीजी से लिखते हैं, ये वही फैंस होते हैं जो आगे जाके पत्थर भी फेंकते हैं स्टेडियम में या अपनी टीम को एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात तो वैसे ये मैंने अपना पर्सनली बड़ा फेस किया है कि ये ट्विटर सोशल मीडिया यहाँ पे ना बहुत गाली पड़ती है आपको, लेकिन अब इसमें गड़बड़ ये है कि मतलब क्योंकि चूंकि वो विराट कोहली है, चूंकि वो इस लेवल के प्लेयर हैं और इतने बड़े आइकॉन हैं, जैसा रौनक ने कहा दिस वॉज अ क्यूरेटेड मोमेंट। सी आपके आपने तो ये बनाई है ना, पर वही आप कह रहे हैं कि क्यूरेटेड है तो ये बेहतर हो सकता है। नहीं नहीं, क्यूरेटेड है तो इधर यू प्ले इट आउट और यू डोंट प्ले इट आउट, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इन द मोमेंट इन द हीट ऑफ द मोमेंट तो बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे ये चीज बोलता हूं, हीट ऑफ द मोमेंट नहीं है। हम लोग खुद कहते हैं कि ये क्रिकेटर्स जब सोशल मीडिया पे आते हैं इतने रोबोटिक हैं, सिर्फ वही जो चीजें करना चाहिए रोबोटिक भाई करना चाहिए, मैं कह रहा हूं पीआर कंपनी को हैंडल करना चाहिए। इसमें एक अजम्पशन ये है जो आप कह रहे थे, उसमें अजम्पशन ये है कि विराट कोहली को अचानक वो मोबाइल दिया गया, अचानक उन्होंने ट्विटर पढ़ा, ये नहीं है, पहले भी दिया गया बिल्कुल, तो उसमें क्या गलत है अगर वो उनको ये लगता है। इसका मतलब वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या वो यही जवाब देना चाहते थे, हो सकता है क्यों नहीं, तो फिर मैं तो ये कह रहा हूँ वो ये नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे तभी आके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो मतलब ले दे के तोल मोल के बोल नहीं है, ट्रोल मोल के बोल है असली में ये है। कुछ कहना चाहेंगे स्लिप में कैच ना गए। मैं खाली इतना कहूंगा कि विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज जो वर्ल्ड आइकॉन है, उनके एक क्रिकेट एनालॉजी में अगर ऑफ स्टंप के बाहर ऐसे बॉल डालते थे तो मैं इसे एक एग्जांपल लूंगा स्लेजिंग का। अगर आपको कोई खिलाड़ी जब आप खेलते हैं कुछ कहता है, आप भी उसको जवाब में कहते हैं, तो आप लिटरली वो मीन नहीं करते जो आप उसको कहते हैं, बट वो आपका तरीका होता है। कोई बैट्समैन होते हैं सर नीचे करके बैटिंग करते रहते हैं, नहीं जवाब है, कई होते हैं वापस देते हैं, उन्होंने दिया लेकिन इट डजंट मीन जो उन्होंने कहा वो लिटरली वो मीन करते हैं। ऑफ कोर्स नहीं, पर एक छोटी सी बात मैं आखिर में कहना चाहूंगा, विराट कोहली की ये मुद्दे पे राई का पहाड़ क्यों बन गया, क्योंकि वो विराट कोहली है, उनकी हिस्ट्री में एक थोड़ा सा रूडनेस, थोड़ा सा एरोगेंस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी किसी को झाड़ दिया है, नो फिल्टर है, स्पेक्टेटर्स को ऑस्ट्रेलिया में काफी रूडली एक बार कुछ दिखा दिया था, तो बिकॉज ही इज विराट कोहली उनकी एक छवि है एरोगेंट होने की, नहीं रूडनेस एरोगेंस नहीं, उसके हिसाब से लोग उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ये विराट छोड़ के जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। और हीट ऑफ द मोमेंट जैसे निखिल ने कहा, हीट ऑफ द मोमेंट स्लेजिंग हो जाती है, वो बात इज अंडरस्टैंडेबल कि वो आप खेल पे मैदान पे कुछ खेल रहे हो, ये आप लिविंग रूम में सोफा पे बैठ के अगर आपने पहले शायद सवाल देखा भी होगा उस हिसाब से अगर आप जवाब दे रहे हो तो फिर गलत है। जो मीन ट्वीट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो रौनक बता रहे थे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बड़े सारे प्लेयर्स भी करते हैं, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा भी करके उन्होंने किया, बड़ा फेमस हुआ, वो उन पे अच्छा लगता है जिनके पास बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो। विराट कोहली को ये छोड़ देना चाहिए सर, बिल्कुल मैं वर्मा जी की राय से बिल्कुल सहमत हूँ, करना ही नहीं चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर, हमें ये मुद्दा करना ही नहीं चाहिए, वही कह रहा हूँ, यही करना ही नहीं चाहिए। पहली बार मुझे यहाँ पे खड़े होके मजा नहीं आ रहा है, एंड बड़े मजा आ रहा है, बोलेगा बड़े दुखद दिल से कह रहा हूँ कि ये हम एयर नहीं करने वाले हैं, ये जो हमने पिछले 10 मिनट किए हैं वो वेस्ट हैं, ये मैं ऑन एयर जाने ही नहीं दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।